परम आदरणीय अतिथि गण और मेरे जितना भी स्टूडेंट हो सभी, आज बहुत हर्ष की बात है। मुझे ALB इंस्टीट्यूट, जो बहुत दिनों से मेरा जो सपना था जो कोचिंग को ओपन करने का और बच्चे सबके साथ रहने का, वो जो सफलता हमको मिली है। कारण क्या है, हम सब दिन से बच्चे सबके साथ रहे हैं, बच्चे सबको पढ़ाए हैं। शुरू से ही मेरा एक उद्देश्य रहा जो हम बच्चे सबको कुछ ना कुछ आगे बढ़ाए, वो जहाँ भी रहे हैं हर जगह जो है बच्चे सबके लिए हमेशा कुछ ना कुछ शिक्षा देते रहे हर जगह। तो ये जो दिन है आज, आज का दिन बहुत ही संघर्ष, 200 वर्षों के संघर्ष के बाद जो है हमें इस दिन को देखने का मौका मिला है। हमारा देश 200 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेजों के चंगुल में फंसा हुआ था। उस सब को और जितना भी हमारे सूरवीर थे, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, नाथूराम गोड्स, बहुत सारे लोग थे, उस सब के त्याग तपस्या के बल पर आज हम इस झंडा को फहरा रहे हैं और हमारा देश सब प्रजातांत्रिक देश हो गए। नहीं तो अंग्रेज सबको अपने गुलामी के जंगल में फंसा लिया था। कहते हैं कि जो 26 जनवरी के बारे में कुछ भी कहें, तेरी यह विशाल दृष्टि कल्पना पट पर नहीं समाता है, जितना कुछ भी कहूँ ये गणतंत्र दिवस के बारे में कहने को शेष बहुत रह जाता है। जब उस सूरवीर का याद करते हैं, स्मरण करते हैं, तो आंखों में आंसू आ जाता है। कारण है, कितने माँ की गोदे सुनी हो गई, कितनी बहनों की मांग की सिंदूर मिट गया, क्योंकि यही स्वतंत्रता दिलाने के लिए। और जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो अंग्रेज का जो रूल रेगुलेशन था सब कुछ भिन्न तरीके से था। तो सभी देशों का कानून व्यवस्था को लेकर हमारा देश जो है ये संविधान लागू किया, और ये संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया। और उसी दिन से हम लोग जो है पूरे देशवासी जो है झंडा फहराते हैं। तो ये दिन जो होता है 26 जनवरी और 15 अगस्त, ये दिन बहुत खास दिन होता है। सब कुछ छोड़ के ये झंडा फहराते हैं अपने आपस। ये इसका कहने का मेन उद्देश्य यही है, जो सभी बच्चे, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होता है, और वो भविष्य का जो है वो टीचर जो होता है बच्चे का, माँ बाप के बाद एक थर्ड स्थान होता है टीचर का। टीचर हमेशा बच्चे को आगे बढ़ने में मदद करता है, हमेशा। कभी भी टीचर बच्चे का बुराई नहीं सोचता है, कभी नहीं सोचता है, हमेशा सोचता है वो कुछ अच्छा मुकाम पे अच्छे मुकाम पे पहुँचे, अच्छा कुछ करे, ऐसा कुछ करे जो अपने परिवार का नाम रोशन करे, अपने घर का नाम रोशन करे, अपने कोचिंग का नाम रोशन करे। बहुत सारे लोग हैं, जैसे इन्हीं के गांव के सर के गांव के एक थे IIT पास के सागर कुमार झा। जब तुम पास करोगे तो पूरे समाज में तुम्हारा नाम होगा, पूरे इंस्टीट्यूट का नाम होगा, उस इंस्टीट्यूट से पास किया है, होता है कि नहीं। तो सबसे बड़ी बात है, जो हमें जो भी काम कर रहे हैं उसको मन धन तन तीनों के साथ काम करना चाहिए। पढ़ाई कर रहे हैं तो तीनों के साथ करना चाहिए, ये नहीं है जो हम पढ़ देते, नहीं। सबको एक प्रण करना है, हमको पढ़ना है, हमको आगे लक्ष्य को प्राप्ति करना है। अगर जो ये सोच के चल दिया हमें आगे लक्ष्य को प्राप्ति करना है, निश्चित रूप से उसको सफलता मिलती ही मिलती है। जो संघर्ष किया है, और सभी को संघर्ष करना पड़ता है, चाहे कोई भी हो, सबको संघर्ष करना पड़ता है। अब पढ़ाई एक तपस्या है, बच्चे के लिए कहा जाता है जो काक चेष्टा कौवा के समान चेष्टा होना चाहिए, बको ध्यान बगुला के समान ध्यान होना चाहिए, स्वान निद्रा तथा विच अल्पाहारी गृह त्यागे विद्यार्थी पंचलक्ष्मी। जो कष्ट झेला है वही सफल महान पुरुष बना है। आज तक तुम महात्मा गांधी के बारे में सुने हो ना, वो राष्ट्रपिता वैसे नहीं कह रहा है। कितनी तपस्या, कितनी लाठी खाए, कितनी तपस्या किए, बहुत जगह आंदोलन किए। महात्मा गांधी बैरिस्टर की उपाधि के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, वहाँ से जब वो इंडिया लौटे तो देखा जो वो इतना गरीब नहीं थे, वो पैसा वाले थे, लेकिन वो एक सूती वस्त्र एक धोती पहन के पूरी जिंदगी गुजारते, अपने शरीर पे वस्त्र त्याग दिए जिस दिन से वो आंदोलन में गुजर गए, इसीलिए वो आज राष्ट्रपिता कहलाते हैं। तो किसी का कोई काम वैसे किसी का नाम नहीं होता, काम करोगे तो नाम होगा, सही तरीकों से करोगे तो नाम होगा, नहीं तो नाम ही होता। तूफानों से मत घबराना, तूफानों से मत घबराना, बढ़ते कदम बढ़ते जाना, बहाने पड़े लहू की दरिया पर रणभूमि में पीठ ना दिखाना। इसका कहने का तात्पर्य ये है, हमेशा एक दिन तुम्हारा गुजरता है तो बहुत सोचो, लाइफ का एक दिन मेरा चल गया,
इस एक दिन का महत्व देके रखो। देखो जिंदगी में हमेशा सफलता मिलती ही मिलती है, सबको मिला है। अगर तुम सच उद्देश्य से लेके चलोगे, हमें आगे में कुछ करना है, हमको पढ़ाई करना है और एक कुछ ना कुछ अचीवमेंट लाना है अपने जीवन में, तो निश्चित सफलता मिलती है। अगर ये सोच के चलोगे नहीं हम पढ़ रहे हैं तो उससे नहीं होगा। तो सभी को मेरा यही है कि पढ़ाई करो, ऐसा पढ़ाई करो जो कुछ नाम रोशन करो। तुम लोग अभी सहरसा, तुम ही लोग में से कोई डीएम बनेगा, कोई एसपी बनेगा, कोई बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे जाएगा, कोचिंग का नाम होगा, सर लोग का नाम होगा जो नहीं वो सर पढ़ा रहे थे, इस कोचिंग में पढ़ रहे थे, तुम्हारे घर वाले कहेंगे नहीं इस कोचिंग में पढ़ रहे थे, है कि नहीं है। तो मैं यही कहूँगा ALB हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ सहरसा से कि तुम लोग ऐसा नाम रोशन करो जो भी 10th के बच्चे हो, 9th के बच्चे हो, सब अपने अपने जो कोर्स है उसमें ऐसा रहो जो सहरसा में नंबर वन लाओ। और हम लोग अगले 15 अगस्त में और ये 26 जनवरी में अच्छे से मनाए ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।